गुड मॉर्निंग दोस्तों, आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल गदराना में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बुढ़ापा पेंशन के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि कल 15 अप्रैल 2024 था, तो दोस्तों कल भी पेंशन नहीं डाली गई है। आखिरकार कब तक पेंशन आएगी, आज की वीडियो में बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू। तो दोस्तों, पेंशन की बात करें तो जैसे हर बार पेंशन 15 तारीख तक आ जाती थी, जब तक जो कि मनोहर लाल खट्टर जी सरकार जो कि सरकार में रहे हैं। और दोस्तों, जैसे ही नायब सिंह सैनी जी आए, तब से पेंशन और भी लेट आना चालू हो गई है। पहले तो 1 तारीख को आ जाती थी, लेकिन फिर भी 15 तारीख तक तो इंतजार समाप्त हो ही जाता था। लेकिन दोस्तों, इस बार जो 2 महीने से लगभग पिछले महीने भी जो दोस्तों पेंशन 20-21 को आई थी, और इस बार भी दोस्तों ऐसे लग रहा है कि 20-21 तारीख तक जो कि इंतजार करना पड़ सकता है बुज़ुर्गों को पेंशन के लिए। तो दोस्तों, अगर आप इस पर कोई अपनी राय देना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं जो कि पेंशन लेट क्यों हो रही है, किस वजह से हो रही है। तो दोस्तों, फिलहाल बैंकों की छुट्टी भी नहीं है इन दिनों कोई भी। तो दोस्तों, हो सकता है पेंशन आज जैसे 16 या फिर कल को भी आ सकती है। और दोस्तों, लगभग 20-21 तारीख तक तो सभी का जो कि पेंशन को लेकर इंतजार है वो समाप्त लगभग हो जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर बढ़िया लगा चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।